इसमें हम लोग मिर्जापुर जिले के अरेवरा क्षेत्र में, और अरेवरा टोल प्लाजा को हटाने की मांग हो रही है भारतीय किसान यूनियन के द्वारा। साथ ही साथ सात सूत्री मांगे हैं इनकी, और किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और क्या कुछ बात हुआ, एसडीएम महोदय यहाँ पर पहुंचे हुए थे और टोल प्लाजा के भी पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। फाइनली क्या कंक्लूजन हुआ है वो हम इन्हीं से जानने वाले हैं। क्या नाम हुआ, पहले अपना पद बताएं, नाम बताएं, उसके बाद जो कंक्लूजन। मैं प्रहलाद सिंह, किसान प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। जैसा कि अभी बातचीत हुआ है, एसडीएम महोदय भी आए थे, टोल प्लाजा के भी अधिकारी आए थे, तो इन सब बातों पर क्या कंक्लूजन निकला है? यहाँ पर हम लोग जो है 12 बजे से धरना चला रहे हैं, पंचायत चल रही है, एसडीएम महोदय चुनार और सीओ महोदय और बिजली विभाग के अधिकारी सब लोग आए थे, टोल प्लाजा के अधिकारी। यहाँ हम लोगों की मांग है कि अस्थायी अवैध टोल प्लाजा को हटा दिया जाए। टोल प्लाजा के लोग कह रहे हैं कि मेरा अनुबंध जब तक है तब तक चलेगा, तो हम लोगों ने कहा कि आपका शुरू में अनुबंध यहाँ टोल प्लाजा का लगाने का नहीं है, आप अनधिकृत रूप से लगाकर अस्थाई बोर्ड लगाकर आप वसूली कर रहे हो। यहाँ के मेहनत का किसान, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे लकड़ी का व्यवसाय करता हो, चाहे अनाज बेचने के लिए ले जाता है, चाहे सब्जी बेचने के लिए ले जा रहा है, सब जो है बालू यहाँ 1200 रुपया महंगा गिरा है, इन सब सारे मुद्दों से बताया गया। और इन्होंने एक बात रही कि इन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि लीकेज के वजह से, जो चुनार के तरफ से लीकेज जाता था उसके वजह से हमने आदेश कराया है, वो जो है 10 मार्च 2022 को आदेश है इनका, लेकिन निर्माण का इनके पास कोई आदेश नहीं है। निर्माण के समय भी हम लोग विरोध किए थे, 9 फरवरी 2022 को भी विरोध किया गया था, यहाँ प्रदर्शन हुआ था, लेकिन ये लोग जबरदस्ती लगा लिए। और जो है यहाँ पर किसानों से अतिरिक्त वसूली की जा रही है, किसान अगर 2 किलोमीटर अपने खेतों में अनाज लेने जाता है उससे भी पैसा लिया जाता है, और ये सारी समस्याएँ हैं। और एसडीएम साहब से हम लोग कहे कि जब लीकेज बंद हो गया, लक्षकार साहब डीएम थे यहाँ, 25 अप्रैल 2022 को रात में डीएम आवास पर वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि नहीं गलत है टोल प्लाजा, इसको आप हटा लो, किसानों का शोषण हो रहा है, जनता का शोषण हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि लीकेज बंद हो जाएगा अगर NH7 पर जो है टोल लग जाएगा तो हम हटा लेंगे। लेकिन NH7 पर टोल लगे हुए करीब 8-10 महीने हो गए, अब इन लोगों का लीकेज बंद हो गया, फिर भी नहीं हटा रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपका लीकेज यहाँ से जा रहा है तो आप बनस्थली महाविद्यालय का ही टोल लगा लो, और वहाँ जो है आप फतेहपुर का ही टोल हटा लो, ये सब कहा गया। यहाँ मरीज आते हैं शक्ति नगर से, राउट्सगंज से, रेणुकूट से, फैक्ट्री एरिया है, यहाँ किसानों को जो मरीज लेकर आते हैं आधा घंटा एक घंटा यहाँ जाम में फंसता है वो आदमी, वो फिर फतेहपुर में फंसता है, पता लगा नारायणपुर जाते जाते मर जाता है। यहाँ के किसान खेतों में काम करके अपने बांध में जाते हैं अनाज लेने के लिए, उनसे पैसा लिया जाता है, उनके गाड़ियों से पैसा लिया जाता है, किसान एकदम तबाह हो गया है। यहाँ का काष्ठ कला बर्बाद हो गया, हरौरा का, यहाँ का कुम्हार कला, जो पुरवा दिया बना करके, हांडी बना करके, गगरी बना करके अपना जीविकोपार्जन करता है, उनका माल दक्षिणांचल में नहीं जा पा रहा है। अपना यहाँ का किसान रामगढ़ में सब्जी, घोरावल में सब्जी बेचने के लिए नहीं ले जा रहा है, वहाँ मधु पुर का, रावर्सगंज का किसान हरौरा मंडी समाप्त होने के कगार पर है। फाइनली कंक्लूजन क्या हुआ है, जो बातें आप लोगों की हुई? फाइनली एसडीएम साहब गए हैं अभी उन अधिकारियों से बात करने के लिए कि जीरो कर दिया जाए, जीरो यहां 20 किलोमीटर हरौरा से जीरो, फतेहपुर जीरो, उसमें जो ये मासिक शुल्क लेते हैं वो भी जीरो है कि नहीं, इस पर बात करने गए हैं अभी टोल प्लाजा के लोगों से, और वो अगर सहमति अपने अफसरों से बनाते हैं तो होगा। हम लोग यहाँ पंचायत करके निर्णय ले रहे हैं, जब तक वो समय लेंगे तब तक हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ बैठ करके अपने धैर्यपूर्वक अपनी मांगों के समर्थन में बैठेंगे, और सबसे चाहेंगे कि अगर न्याय संगत हमारी बात है तो हमारी बात को मान लिया जाए, अगर अन्यायपूर्ण मांग हमारी है तो हमको आप हटा दें। जी जी जी, चलिए देखिए, किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जैसा इनका कहना है कि टोल प्लाजा के इर्द गिर्द परिधि में 20 किलोमीटर रेंज, और फतेहपुर जो टोल प्लाजा है उसके परिधि में 20 किलोमीटर के रेंज में शून्य करने का जो कि प्रयास किया गया एडीएम जो कि यहाँ पर जो एसडीएम महोदय है उनके द्वारा, और फिलहाल अभी उनकी वार्ता चल रही है जो टोल प्लाजा के अधिकारी हैं, और फाइनली क्या कंक्लूजन निकल के आता है हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। किसान क्यों बैठा है? ये जो हमारे भारतीय किसान यूनियन है यहाँ पर, जो इस जिले के पदाधिकारी है, और इसके अलावा ये पता चला कि सोनभद्र से भी कुछ हमारे किसान आए हैं, क्योंकि ये बॉर्डर का मामला है, कुछ चंदौली से भी आए हैं, तो आप सबकी ये मांग है कि जो अस्थाई टोल प्लाजा अरोरा में है उसको हटा दिया जाए। उसके संबंध में हम लोगों ने यहाँ पे अभी सबकी बात सुनी है, मौके पर हमारे सीओ ऑपरेशन, सीओ चुनार
उसके अतिरिक्त जो टोल प्लाजा ACP टोल प्लाजा है उसके GM साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उनका स्टाफ भी मौजूद है। बहुत शांतिपूर्वक वार्ता हुई है। अब आप लोग की मुख्य मांग ये है कि जिस कारण से ये अस्थाई टोल प्लाजा लगाया गया था वो कारण दूर हो चुका है। इस टोल प्लाजा के कारण जो यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं, जो व्यापारी हैं और जो नॉर्मल ग्रामीण हैं, उन सबका बहुत ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि बार बार उनको टैक्स देना पड़ता है। आप लोग की डिमांड है कि उसको हटाया जाए। मेरी तरफ से ये आश्वस्त किया गया कि आपकी जो भी वाजिब मांगे हैं हम शासन में रखेंगे। DM साहब से भी वार्ता हुई है, DM साहब से 28 तारीख को, इसी 28 को अभी पुनः हम लोग बैठेंगे, किसान यूनियन के लोग भी बैठेंगे वहाँ पे और टोल प्लाजा के लोग भी बैठेंगे और हम लोग भी बैठेंगे वहाँ पे, और बैठ के फिर से इस पे चर्चा की जाएगी कि जो आपने किसान यूनियन की मांग है और जो सुझाव है उस पे हम कितना अमल कर सकते हैं, ये प्रयास किया जाए कि समस्या का अंत हो जाए। आज क्या हल निकला? आज का निर्णय आज का निर्णय यही हुआ है कि हम लोग ने आप लोग की मांग जो सुन के, अभी DM साहब से मेरी वार्ता हुई है और शासन को फिर से आप लोग की सारी मांगे भेजेंगे, जैसा निर्णय शासन का होगा वही अंतिम निर्णय होगा। किसानों का आज क्या कहना रहा, जो आज बैठक हुई है उस पर क्या हल निकला है आज? जी आज क्या हल निकला है जो किसान सुबह से धरना नहीं? देखिए मैं एक चीज ये बता दूं कि ये ऐसी समस्या है कि इसका मिनटों में हल नहीं निकल सकता। हल निकले हैं, जैसे बिजली विभाग की समस्या थी कि साहब जो है जमालपुर में जो उपकेंद्र है वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा दिया जाए, उसका हल निकला है। जो पानी की समस्या है, पानी की समस्या के लिए एक्सचेंज और उनसे बात जो हुई है उस पर भी सहमति व्यक्त की गई और 28 तारीख को उसका निर्णय हो जाएगा। परंतु टोल प्लाजा हटाने जैसा जो एक महत्वपूर्ण जो आप लोग की मांग है, वो ऐसा नहीं है कि जिला प्रशासन या तहसील प्रशासन उसको हल कर दे। उसके लिए चूंकि उपसा यानी उत्तर प्रदेश स्टेट जो अथॉरिटी है, हाईवे अथॉरिटीज़ हैं, उनकी सहमति से ये टोल प्लाजा लगता है, तो बिना उनकी सहमति के, बिना उनके इजाज़त के इसको नहीं हटाया जा सकता। हम किसानों की जो जायज़ मांग है उसको वहाँ पर रख सकते हैं, बस हम इतना ही कर सकते हैं। आज की सहमति किसानों से इसी बात पर बनी। आज किसानों ने महापंचायत बुलाया था जी, और इस महापंचायत में किसानों का कहना है कि अब हम इसको धरना के रूप में इस महापंचायत को तब्दील करेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में क्या कहना है? हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था है, अपनी बात कहने की इजाज़त सभी को है। यदि शांतिपूर्वक धरना के माध्यम से अपनी बात कही जाती है तो हम लोग किसानों की बात बिल्कुल सुनेंगे। कोई भी व्यक्ति हो, संवैधानिक रूप से यदि वो कुछ अपनी बात कहना चाहता है, धरना के माध्यम से भी कहना चाहता है, तो भी उसकी बात सुनी जाएगी। वही बात यहाँ भी लागू होती है। तो फिलहाल देखिए, फाइनली कंक्लूजन जो भी निकला है वो आपने एसडीएम महोदय से आपने सुना, और जो यहाँ के जो किसान नेता हैं उनसे भी हमने बात करने का प्रयास किया कि उनकी क्या मांगे थी। फिर फाइनली नीरज प्रसाद पटेल जो कि यहाँ के SDM हैं, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जो किसानों की मांगे हैं वो आगे फॉरवर्ड कर दी गई है। जो भी यहाँ के टोल प्लाजा के उच्चाधिकारी हैं वो भी आए हुए थे यहाँ पर, GM महोदय भी आए थे, उनसे भी वार्ता हुई। तो फाइनली कंक्लूजन यही निकला कि ये एक पत्रक सौंपेंगे अपने ऊपरी जो भी उनके उच्चाधिकारी हैं वहाँ तक, फिर वहाँ से जो फाइनली रिप्लाई आएगा उसके बाद अवगत कराएंगे। फिलहाल ऐसे ही खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।